तीन दिन से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुई एक जोत कौर का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही। इसको लेकर तीन दिन से जहां एक जोत कौर के माँ बाप पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परिजनों ने पुलिस पर उचित जांच न करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि एक जोत कौर वरिष्ठ पत्रकार जसबीर दुग्गल की बेटी है। एक जोत कौर क्रिच स्कूल कल्याण नगर में पढ़ाती है। हर दिन की भांति 23 जुलाई मंगलवार को भी एक जोत कौर स्कूल में गई थी, लेकिन एक जोत कौर शाम तक घर नहीं पहुंची। तो उसके भाई सरबजोत सिंह दुग्गल ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया तो वहां से पता चला कि तबीयत बिगड़ने के कारण एक जोत सुबह 11 बजे ही स्कूल से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई थी। आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। परिजनों द्वारा एक जोत कौर के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व एकजोत के परिजन सुबह से ही एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। इस दौरान सरकार व पुलिस प्रशासन की ढूल मूल रवैये को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर डीएसपी परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन परिजनों ने डीएसपी से बातचीत करने से मना कर दिया व मौके पर एसपी से बातचीत करने की बात कही। कई घंटों के प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में पहुंची। हमारे एक वरिष्ठ साथी भाई जसबीर सिंह दुग्गल जी की बेटी दिन दिहाड़े अपहरण कर ली जाती है और उसके बाद तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, कुछ नहीं मिल रहा। और जहां तक आज तक की कार्रवाई है, भाई पवन आश्री जी ने आप सबको बताई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अब तक की जो भी कार्रवाई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की। यदि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लाए तो वह भाई जसबीर दुग्गल और हमारे साथी लेकर के आए हैं। टेलीफोन की जो डिटेल निकाली गई है वो भी हमारे अपने साथियों द्वारा निकाली गई है। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही है। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ आज यहाँ पुलिस प्रशासन को, इस मामले को हल्के में ना ले। मैं हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मेरे पूरे हरियाणा में अपने साथियों से सुबह से आज बात चल रही है। मैं ये चेतावनी देता हूँ कि यदि इस मुद्दे का 24 घंटे के अंदर हल नहीं निकला, हम इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, और तब भी नहीं निपटा तो हम राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रधानमंत्री तक इस बात को पढ़ाई 24 तारीख तक। ऐसा क्यों नहीं पता? मीडिया गायब है, जिम्मेवार नहीं है, कोई नहीं है। सस्पेंड करो, पहला लिखो कलम का, करो करो सस्पेंड करो। जरा कुटाई जिन्हें की है, सू तो पता लगे भी डीएसपी साहब आए ने अपनी पावर वरत देने पे, जेडे अफसर ने कार्रवाई नहीं की खिलाफ कार्रवाई करो पी। सू पता लगे जो ऑर्डर सू पता लगे अभी मनीए भी अपना एस पी साहब की पावर दे के कल डीएसपी साहब अभी अभी गल करनी है, फिर जो पावर अपनी वरतों। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।